हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ वन पीस मांगा वीकली के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1003, जिसका नाम है द नाइट रिफ्लेक्टेड ऑन ए गो बोर्ड। बिफोर द रिव्यू, आपको पता ही होगा कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लेट है। मैं इस वीडियो को करंटली एग्जाम्स में मिले हुए गैप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वीडियोस बनाना बहुत पसंद है और पता नहीं ये कब आप लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि एडिटिंग का अभी कोई फिक्स नहीं है। तो आप लोग का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना वेट किया। सो यार, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1003, मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं। वन पीस इज लाइक एन एक्सेलरेटिंग थिंग नाउ। हर चैप्टर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हम रीडर्स की फट जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वन पीस अपने प्राइम में चल रहा है। इवेंट्स आर फार मोर इंटेंस देन व्हाट हैपेंड इन मरीनफोर्ड। आई मीन काइडो, ही इज अ योंको, बट ही इज मोर सरप्राइजिंग देन व्हाइट बियर्ड। खैर, व्हाइट बियर्ड तो सरप्राइजिंग थे ही, मैन दैट ट्रेमर ट्रेमर फ्रूट। बट स्टिल, इस समय हम एक ड्रैगन को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड द फैक्ट कि हम ड्रैगन जैसे मिथिकल क्रिएचर को इस टाइप के आर्ट में देख पा रहे हैं, इट ब्लोज माई माइंड। खैर, चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है द नाइट रिफ्लेक्टेड ऑन ए गो बोर्ड। काफी लोग इस टाइटल को समझ नहीं पाए होंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन। गो बोर्ड एक्चुअली में एक बोर्ड गेम है, लाइक चेस। और नाइट रिफ्लेक्टेड का मतलब, इसी बोर्ड गेम को खेलते हुए हमें ये बताया गया कि ओवरऑल अभी करंट सिचुएशन है क्या वोनो की। एंड गेस व्हाट, कि हमें ये सारी डिटेल्स किसने बताए? द CP0। फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट इस समय वोनो में है। मतलब स्वॉर्ड के मेंबर्स ऑलरेडी थे, बट नाउ द CP0। CP0 के मेंबर्स अभी यही बोर्ड गेम खेल रहे हैं और खेलते हुए उन्होंने अपना पूरा सिचुएशन का ओवरव्यू दिया। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात किया जाएगा, बट ये सब स्टेप तो मांगा का मिडिल पार्ट है। मांगा का स्टार्ट और एंड कुछ ऐसा था which made me blew my mind। Ending देखकर तो मैं इतना excited हुआ कि मैंने अपने बगल में बैठे friend को दबा दिया। I mean Kaido का एक और form, wasn't he already terrifying? मैंने पहले आपसे ये बोल रखा है कि मैं Zoan का बहुत बड़ा fan नहीं हूँ, but ये chapter के बाद I think मुझे अपनी mentality थोड़ी change करनी पड़ेगी। अच्छा, एक question है आपसे, can a voice captain fight as equal as captain? क्या लगता है, क्या एक voice captain captain की तरह से fight कर सकता है? Well, turns out voice captain can fight better than captains। Zoro भाई, उसने मतलब गर्दा मचा दिया है। Oden की sword पर इतना flex जितना कोई Gucci के जूतों पर ना करे। अगर यहाँ पर जोरो नहीं होता तो अभी लूफी काइडो के पेट में होता। सिचुएशन इतना चेंज हो गया कि इट फील्स लाइक कि लूफी करंटली पूरी तरह से जोरो पर डिपेंड है। मतलब समझ रहे हो आप, करंटली जोरो ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं रहा। वो उस लेवल पर फाइट कर रहा है जिस पर लूफी अकेले किया करता था। इवन किलर या लॉ भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जोरो है यहाँ पर। बट इतना सब करने के बाद भी वी शुड नेवर अंडरएस्टिमेट योंको। तो अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक मांगा ठीक से नहीं पढ़ी तो आप उसे साइड में जल्दी से ओपन कर ले, ताकि आपको वीडियो सही से समझ में आ जाए। सीन नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन वर्सेस योंको। आपको याद हो तो पिछले चैप्टर में लूफी ने काइडो की तरफ कॉन्ग गैटलिंग स्टार्ट किया था। उसने इतना गैटलिंग किया कि वो नेक्स्ट चैप्टर में खत्म हुआ। मतलब चैप्टर नंबर 1003 वहीं से स्टार्ट है। लूफी नॉनस्टॉप पंचेस किए जा रहा है और फाइनल पंच तो उसने बहुत तेज मारा है, जिसके इंपैक्ट से काइडो सीधे जमीन पर जा गिरा। ये देखकर बिग मॉम और किड दोनों हैरान हो गए। बट लेट मी अश्योर यू, लूफी रियू हाकी का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई ऑरा नहीं दिख रही है। ये उसका नॉर्मल गियर 4th वाला गैटलिंग है। खैर, दिक्कत रियू नहीं है बल्कि गियर 4th है। आपको तो पता ही होगा कि लूफी गियर 4th को ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं रख पाता, तो हवा निकलने के बाद वो ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए पैरालाइज हो जाता है। ये सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है लूफी के लिए, स्पेशली जब वो फाइट के बीच में हो, और अभी करंटली हुआ भी यही है। किड ने ये पहली बार देखा तो उसे लग रहा है कि काइडो ने कुछ किया है, लेकिन लॉ ने उसे बता दिया कि ये लूफी की पावर का ड्रॉबैक है। किलर तो अब बस इसी उम्मीद में है कि इन पंचेस का कुछ फायदा हुआ हो। बिग मॉम लूफी की सिचुएशन का फायदा उठाकर उसे निपटाने जाती है, बट तभी जोरो लूफी को उठाकर वहां से भागता है। एंड जस्ट तभी किड बोलता है ये क्या हो रहा है, और देखकर लग रहा है कि काइडो का मन नहीं मान रहा। वो गोल गोल घूमकर आसमान में ऊपर जा रहा है। जैसे ही काइडो ऊपर पहुंचा, ड्रैगन ट्विस्टर और एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। सभी के सभी छटक गए। काइडो ने लिटरली यहाँ ओनिगाशिमा पर 3 बवंडर बना दिए अपने ड्रैगन ट्विस्टर एबिलिटी से। एक बवंडर किड पर गिरा तो वो टूट फूट गया। जोरो देखकर बोल रहा है कि ये आदमी तो चलता फिरता डिस्ट्रक्शन है। इधर लूफी जग गया है और जोरो को थैंक्स बोल रहा है कि तभी एक बवंडर जोरो पर भी जा गिरता है, जिसकी वजह से लूफी जोरो के हाथ से निकल गया। और काइडो तो हवा में था ही, तो उसने लूफी को खा लिया। बट नॉट सो फास्ट, व्हाट द फक यू आर डूइंग टू माय कैप्टन? ये बोलते हुए एंटर्स वाइस कैप्टन रोनोरोवा जोरो संतोरियो। और एनमा से अगेन ओडेन की पावर्स निकलने लगती है। काइडो नोटिस कर लेता है कि यही स्वॉर्ड है जिसकी वजह से ओडेन की पावर जोरो के पास है। तब तक तो जोरो काला सूत्र क्रिएट ड्रैगन ट्विस्टर और वो भी काइडो की तरह से एक बवंडर बना देता है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, जोरो ने लिटरली काइडो के स्केल्स इस अटैक से काट दिए। ये देखकर किलर और बिग मॉम की फटकर हाथ में आ गई कि कोई ऐसा भी है जो कि काइडो को काट सकता है। काइडो को इस सेंसेशन से ये पता चल गया कि ये इंडीड ओडेन की स्वॉर्ड है। बट यू नो व्हाट, वो ये जानकर बहुत खुश है और वो बोल रहा है कोई ऐसा है जो मेरे ड्रैगन ट्विस्टर को काउंटर कर सकता है। लेकिन काइडो अभी मूड में ही है। एक अटैक और, ड्रैगन ट्विस्टर, गेल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और फिर से कंप्रेस्ड एयर स्लैशेस वर्स्ट जनरेशन की तरफ आने लगती हैं। बट फॉर्चुनेटली सभी के सभी डॉज कर लेते हैं। इतने सारे भसड़ की वजह से सारा का सारा मलवा नीचे कैसल में गिरने लगता है, जहाँ बाकी के क्रू मेंबर्स हैं, और उन्हें अंदाजा लग गया है कि ऊपर जो फाइट हो रही है वो गॉड लेवल की है। इसी के साथ एंड ऑफ 1/3 ऑफ मांगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रैगन ट्विस्टर। इस अटैक में एक टोर्नेडो ऑफ ब्लेड्स फॉर्म होते हैं। जोरो ने ये मूव पहले भी यूज किया है, बट
बट तब ये मूव सिर्फ आयरन शेल्स को काट पाता था, लेकिन अभी विद द पावर ऑफ एनिमा ये टोर्नेडो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो काइडो की स्किल्स को काट सके। ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब जोरो ये मूव यूज करता है तो एक ड्रैगन अपीयर होता है जो कि मोमो के ड्रैगन फॉर्म जैसा दिखता है। एंड भाई काला सूत्र ब्लैक थ्रेड नरक बुद्धिज्म के हॉट नरक का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बॉडी पर ब्लैक लाइंस बनाए जाते हैं ताकि बॉडी को काटा जाए। ओडा ने माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से लिए हैं, ये तो मानना पड़ेगा। एंड अगर हम जोरो की कंप्लीट बात करें तो ही इज कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग। उसने वो काम किया है जो कि करंटली कोई भी नहीं कर पाया, एंड दैट इज डैमेजिंग काइडो। और कोई ऐसा वैसा डैमेज नहीं, इट इज हार्ड इनफ कि काइडो को एक्चुअली जोरो की स्वॉर्ड को नोटिस करना पड़ा। दैट इज अ बिग डील कि इतने बड़े ड्रैगन ने इतने छोटे स्वॉर्ड पर ध्यान दिया। इवन किड एंड किलर भी इस बात से हैरान है। ये बात तो पक्की है कि आने वाले टाइम में जोरो विल बी टेकिंग द पोजीशन ऑफ रेलिक। सीन नंबर 2 CP0। CP0 तो वानो में काफी टाइम से है। आई थिंक मैंने इनके बारे में एपिसोड नंबर 922 में देखा था, बट फाइनली इनसे मुलाकात हो गई और ये सभी इस समय एक गो बोर्ड गेम खेल रहे हैं। यारे हमारा सप्लायर काइडो के पास गया और काइडो ने उसे पेल दिया और जिस दावत पर बुलाया था इस समय वो पार्टी से ज्यादा बवाल का आइलैंड बन गया है। यही सारी बातें इस समय CP0 का एक मेंबर बोल रहा है। वैसे अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि जोकर एक डोफ्रामिंगो के अरेस्ट के बाद वेपन्स के डील के लिए ही CP0 वानो में आए थे और ओरोची से इन्होंने डील किया था जहाँ पर वॉरशिप डिमांड की गई थी, लेकिन अब तो ओरोची ही नहीं तो डील क्या। खैर CP0 इस समय पूरा सीन एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे ये जो भी बवाल हो रहा है वो 20 साल के बदले की तड़प है और डोफ्लामिंगो के फीट के बाद क्लैश बिटवीन काइडो एंड फर्स्ट जनरेशन फिक्स हो गया था। लेकिन एक्चुअली में ये किस्मत है कि पायरेट्स और समुराइज मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया पलट जाएगी अगर आज दो एम्परर्स यहाँ पर गिर गए तो, और फ्यूचर तो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है। एंड फिर हमें कम्प्लीट लुक मिलता है CP0 का जिसमें अभी के लिए 3 मेंबर्स हैं। जानते हो मुझे किसको देख रहा है? रॉब लुची। लुची को दोबारा फाइट करते देखना करंटली मेरा सपना है, बट देखो ये कब पूरा होता है। खैर बैक टू मांगा इन्वेडर एके समुराई गैंग टोटल 5400 है जिसमें से 400 ऑलरेडी निपट गए हैं और काइडो की तरफ से 30,000 जिसमें से 3,000 खत्म। CP0 के अकॉर्डिंग समुराइज ने कुछ गजब ही कर दिया। अगर उन्होंने डायरेक्टली अटैक किया होता तो इनके लिए कोई चांस नहीं था, बट सरप्राइज अटैक का प्लान करना सही था। उनका ये भी कहना है कि इस वॉर में सिंपली एनिमी के लीडर को खत्म करना ऑप्शन नहीं है। ऑल आउट वॉर इस समय आइलैंड पर हो रहा है एंड वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं क्योंकि आइलैंड हवा में है। और अगर समुराइज ने काइडो के एग्जीक्यूटिव्स का जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लोग हंड्रेड्स ऑफ वॉरियर्स हर सेकंड खोते रहेंगे। एंड फिर हमें वो गो बोर्ड वाला गेम दिखता है जहां पर इस समय 27 vs 5 का मैच हो रहा है। 27 मींस 27,000 यानी कि काइडो की आर्मी और 5 का 2 मतलब है यानी कि 5 वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स और 5,000 समुराइज। अगर ये न्यू जनरेशन काइडो के कमांडर्स के आगे नहीं टिक पाए तो सभी के सभी बोर्ड गेम के ब्लैक गोटियों की तरह से घेर लिए जाएंगे एंड देन दे आर ऑल फिनिश्ड। बट CP0 इस बात से खुश है क्योंकि ये सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है जो कि पायरेट्स ही पायरेट्स को खत्म कर दें। यही था CP0 का कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द करंट सिचुएशन। और पूरे एनालिसिस में मुगीवारा क्रू के हर मेंबर का फाइट का पैनल दिखाया है। सरप्राइज की बात यह है कि CP0 इस समय ओनिगाशिमा में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सब कुछ पता है, लगभग हर एक चीज जो किसी को भी नहीं पता, कितने मर गए कितने जिंदा है, इवन ये बात भी कि ओनिगाशिमा इस समय हवा में है। इन्हें ऐसे ही इंटेलिजेंस वाले नहीं कहते, लेकिन देखो भाई बात ऐसी है कि यार ये लोग एक जगह बैठे हुए हैं, इनका फाइट में कोई रोल नहीं है। इनकेस ये भी फाइट ज्वाइन करते तो मजा ही आ जाता, बट ऐसा होने वाला नहीं है। खैर अगर वर्स्ट जनरेशन जीत गए तब CP0 ने रोकने की कोशिश करेगी, मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन है। सीन नंबर 3 नंदागुरिया व्हाट द हेल इज दिस। कैप्टन किड के मुंह से यही बातें निकल रही हैं क्योंकि इन सभी के मौत का फरमान आ चुका है। लूफी भी काइडो को देखकर हैरान है क्योंकि अभी करंटली काइडो का एक और न्यू फॉर्म रिवील हो रहा है। आपको तो पता ही होगा कि जुआन टाइप की सबसे बेस्ट एबिलिटी कौन सी है, वो है उनका ह्यूमन हाइब्रिड फॉर्म जो कि हमने अभी तक किसी भी एंशिएंट जुआन यूजर को करते हुए नहीं देखा है। एंड डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट होने वाला पूरे के पूरे एम्परर सागा में क्योंकि अभी करंटली काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और कह रहा है ओए लिनलिन अब तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। एंड बिग मॉम इज लाइक सच बताओ तो मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड इसी के साथ एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1003 नो ब्रेक्स नेक्स्ट वीक। अरे यार ब्रेक ले लो भाई मेरे एग्जाम्स हैं अभी। खैर अगर हम यहाँ पर जरा सा बात करें जोआन के हाइब्रिड फॉर्म की तो आप ही बताओ कि आपने टोटली एनवे में कितने ऐसे फॉर्म्स देखे। मैं बताता हूँ मैंने जो एक सबसे सही से देखा था वो था रॉब लुची वाला फॉर्म। देखो यार जहाँ तक बात है जोआन टाइप डेविल फ्रूट की तो जोआन एक काफी क्रिएटिव टाइप का डेविल फ्रूट मुझे लगता है एंड डेफिनेटली उसमें ज्यादा कुछ तो नहीं हो सकता क्योंकि आप एक एनिमल में ही ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, बट द हाइब्रिड फॉर्म जिसमें आपके पास ह्यूमन एंड उस स्पेसिफिक एनिमल की पावर्स होंगी वो काफी ज्यादा यूनिक लगता है। एंड व्हेन वी कंसीडर दिस थिंग टू द लिमिट्स ऑफ अ ड्रैगन यानी कि हम एक ड्रैगन को इस समय ह्यूमन फॉर्म में देखने वाले हैं तो इसका लुक कैसा होगा इसकी एक्सपेक्टेशन मेरे दिमाग के पार है। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर में इसको देखना चाहूंगा कि इसका ड्रॉइंग ओडा ने कैसा किया है। खैर अभी जो इस समय करंटली हो रहा है वन पीस में ये पूरी तरह से सिचुएशन को बदल देगा क्योंकि जहां तक मुझे पता है आज तक कभी भी काइडो को अपना हाइब्रिड फॉर्म रिवील नहीं करना पड़ा। ऐसा कोई उस लेवल का था ही नहीं जिसकी वजह
वजह से काइडो को अपना थर्ड फॉर्म यूज करना पड़े। यू नो, मतलब सिर्फ काइडो ही ऐसा है जिसे डैमेज ही नहीं किया जा सकता, तो उसे फॉर्म चेंज करने की जरूरत ही क्या है। बट राइट नाउ करंटली सीन्स बिल्कुल ही इंटेंस हो रहे हैं। एंड आपने कितने टाइम देखा होगा कि एक एम्परर, एक योंग को अपनी फुल पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज करने की कोशिश में है? मैं बताता हूँ, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर आप व्हाइट बियर्ड को भी कंसिडर करें तो व्हाइट बियर्ड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बट दिस टाइम आपको एक ट्रू योंको की पावर्स देखने को मिलेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द कमिंग चैप्टर्स। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द एम्परर्स। पूरा मांगा पढ़कर लग रहा है कि काइडो को लूफी और जोरो ने डैमेज किया, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काइडो के बस कुछ स्किल्स कटे हैं, यू नो, मछली की ऊपरी स्किन, और लूफी के अटैक से वो सिर्फ नीचे गिरा है, जिसका बस यही मतलब है कि अगर आप एक बड़े से लोहे के ब्लॉक को मारोगे तो वो नीचे गिरेगा, ना कि टूटेगा। जस्ट थिंक कि जोरो को इतना करने के बाद भी काइडो की सिर्फ स्किन का ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा कटा है, और इससे काइडो को सिर्फ चुभन हुई है और कुछ भी नहीं। मतलब ओवरऑल तो देखकर ऐसा ही लगता है कि वाह, काइडो को तो काट दिया गया, कुछ भी नहीं है ये। बट थोड़ा गौर से देखो तो उसे कुछ हुआ तक नहीं है। इन एम्परर्स को डिफीट तो छोड़ो, इन्हें डैमेज करना भी इतना आसान नहीं है, और मेरे ख्याल से ये होंगे भी नहीं। आपको काटाकुरी याद है? 1v1 में लूफी का कोई भी चांस नहीं था कि वो काटाकुरी के आगे टिक पाए, और कंसिडरिंग कि ये एम्परर्स काटाकुरी से पता नहीं कितने सारे लेवल्स ऊपर आते हैं, इवन काटाकुरी टॉप 10 में भी नहीं आता जिसमें ये दोनों के दोनों एम्परर्स आते हैं, तो जस्ट थिंक कि क्या ये पांचों के पांचों कोई भी स्ट्रेटेजी लगा के इन दो एम्परर्स को डिफीट कर पाएंगे? खैर, मुझे तो नहीं लगता। कुछ और ऐसा होगा जिसकी वजह से ये वॉर एंड होगी। अब जहां तक मुझे लगता है कि इस चैप्टर के बाद बाकी के क्रू मेंबर्स की भी फाइट शायद दिखाई जाए। मैं जानता हूं कि ऐसा मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं, बट इस चैप्टर में उनके कुछ पैनल्स थे तो थोड़ा बहुत लग रहा है। ऑल्दो मैं ऐसा चाहता तो नहीं, बट शायद ऐसा हो सकता है। तो भले ही मेरे एग्जाम्स अभी चल रहे हो, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू चैप्टर नंबर 1004। तो बस इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1003, द नाइट रिफ्लेक्टेड ऑन ए गो बोर्ड। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1003, द नाइट रिफ्लेक्टेड ऑन ए गो बोर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इस वीडियो को अपने एग्जाम टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना, और अगर नहीं भी पसंद आए तब भी इसको लाइक कर देना। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में चल रही होंगी एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा, तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन करिए, ताकि हमारी वन पीस कम्युनिटी और भी ज्यादा ग्रो हो। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस को देखना पसंद करते हैं। अगर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जो कि आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड पर जरूर फॉलो करें, जहां पर मैं आपके हर क्वेरी का रिप्लाई देता हूं। ऐसे और भी कई सारे वन पीस या अदर एनिमे कंटेंट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहे। सो गाइस, अगर आपको हमारी वन पीस की मांगा पर ये वीडियो पसंद आई, तो हमारी और भी कई सारी मांगा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।